हेलो, अस्सलाम वालेकुम वालेकुम। अस्सलाम। मैम वालेकुम सलाम। कैसे तैयारी है पेपर की बच्चों? मैम आपकी आवाज कम आ रही है, थोड़ा सा ऊंचे बोलूं। मैम रही हूँ, आप लोगों की पेपर की तैयारी कैसी है? जबरदस्त है अलहमदुलिल्लाह। सच्ची? सच बोल रहे हैं? मैम ठीक है, बस ज्यादा खास नहीं। मैम बाकी बच्चे कहाँ हैं? मिनट 2 मिनट हम वेट कर लेते हैं, फिर हम अपना ना सेशन प्रॉपर स्टार्ट करेंगे। इनफैक्ट बल्कि स्टार्ट कर ही लेते हैं ताकि जो बच्चे लेट आएंगे वो रिकॉर्डिंग देख लेंगे। ठीक है, कोई क्वेश्चन है आप लोगों का एग्जाम से रिलेटेड, पेपर से रिलेटेड? मैम पेपर बहुत लेंथी तो नहीं है? मैम ख्याल से नहीं, आप लोगों को क्वेश्चन ज्यादा लगेंगे देखने में, इस लिहाज से कि मैंने हर किसी के पार्ट्स में डिवाइड किया है, यानी कि 20 MCQs हैं। न्यूमेरिकल वो 5 हैं, 5 न्यूमेरिकल्स में से ये है कि जब आपका कोकोमो मॉडल का न्यूमेरिकल है ना, उसको मैंने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, आप जो हैं उसका एक एक पार्ट का आंसर जब दे रहे होंगे तो वो उसी तरह से आपका होगा। बाकी कौन से हैं? सिर्फ एक पार्ट वाला न्यूमेरिकल ऐसा है जो आपको खुद से सॉल्व करके उसकी फाइल अपलोड करनी होगी। ठीक है, क्योंकि उसमें पूरा ग्राफ वगैरह वो सारा स्ट्रक्चर बनेगा, तो वो स्ट्रक्चर के लिए मेरे ख्याल से मैंने आप लोगों के एक फाइल अपलोड की ऑप्शन रखी है, वो न्यूमेरिकल है। यानी कि इस तरह करके 5 न्यूमेरिकल 10 न्यूमेरिकल में कन्वर्ट हो गए हैं। मैम तो फाइल अपलोड सिर्फ एक ही न्यूमेरिकल की करनी है? हाँ, क्योंकि उसी में जरूरत पड़ी है ना, बाकी सब में आप आंसर लिखेंगे तो वहीं पे आपको टिक मार्क कर देगा कि सही आंसर है गलत है। लेकिन यह कि आपको अभी मार्क्स नहीं पता चलेंगे, इसलिए ये भी नहीं पता चलेगा। जैसे आपका क्विज में मैंने किया था, क्विज में आपने आंसर लिख दिया था अपना पूरा सॉल्व करके, तो इसी तरह से आपको यहाँ पर भी सिर्फ पार्ट वाले न्यूमेरिकल में आपको जो है वो पूरा लिखना पड़ेगा, पूरा वो फाइल अपलोड करनी पड़ेगी। फाइल ऐसे अपलोड करनी पड़ेगी कि आपका पूरा का पूरा काम जो है, अगर आप देखें तो स्लाइड्स में भी आपकी वर्ड की फाइल में काम हो गया था। देखा आपने स्लाइड्स उसकी पार्ट की न्यूमेरिकल की, इजिली टेबल क्रिएट हो गया था, इजिली एरोस लग गए थे। चाहे तो आप वैसे सॉल्व कर लें, चाहे तो आप पेपर पे सॉल्व करके उसकी वो पिक्चर्स लेके पिक्चर्स अपलोड करते हैं उस पे, वर्ड की फाइल पे पेस्ट करके वर्ड की फाइल आप अपलोड करेंगे। समझ आ रही है बात? यस मैम समझ आ रही है। वर्ड की फाइल पे पिक्चर अपलोड करके पेस्ट करके वो आपने फाइल अपलोड करनी है। ठीक है, पार्ट वाले न्यूमेरिकल में बेशक आप चाहें तो वर्ड की। जी बेटा, मैम इसका टाइम भी 8 to 1 ही है या 8 to 2 है? 2 2। ओके बेटा, इसका हम लोगों ने क्वेश्चन जो है ना, सर मेरी कल किन से बात हो रही थी, सर कॉन्रेड से बात हो रही थी, तो वो कह रहे थे क्योंकि मेरे साथ आप लोगों ने मॉक एग्जाम में तो इस बात की कोई कंप्लेन नहीं की थी कि मिस टाइम नहीं रुक रहा, लेकिन सर कॉन्रेड ये बात बता रहे थे कि उनके साथ ऐसा हुआ है कि उनके मॉक एग्जाम में भी टाइम नहीं रुक रहा था। जैसे कि हमें बताया गया सेटिंग में कि जहां पे बच्चे छोड़ेंगे वहां पे उसका टाइम रुक जाएगा, तो वहां पे टाइम नहीं रुक रहा, उसकी सेटिंग भी हमें समझ में नहीं आ रही। उन्होंने एचओडी को ईमेल की थी तो एचओडी ने उसके ऊपर रिस्पॉन्स नहीं दिया था अभी तक, तो वो भी इस बात को लेके परेशान है। कल मेरा पेपर डीएससी का था, उसमें भी ये चीज हुई कि पेपर में टाइम नहीं रुक रहा। अगर आप लोगों की इलेक्ट्रिसिटी का इशू हो रहा है यही इशू हुआ था। या फिर इस चीज का इशू हो रहा है तो आपका टाइम नहीं रुक रहा। तो अब देखिए बेटा, इसकी सेटिंग तो हमें अभी तक नहीं पता ना, क्योंकि हमें तो ये कहा गया था कि आईटी वालों ने सेटिंग कर दी। एक दिन हमारे पास ये था रात 9 बजे के बाद से, आई थिंक के 12 बजे के बाद से,
हमारा एलएमएस नहीं चल रहा था, तो उस एलएमएस में यही कहा गया था कि आईटी जो है इसके ऊपर वर्क कर रही है फॉर फाइनल एग्जाम। ठीक है, तो अब उसकी सेटिंग जो हमें बताई गई, जैसे बहुत से टीचर्स तो फर्स्ट टाइम ऑनलाइन एग्जाम ले रहे हैं, तो जो हमें सेटिंग बताई गई थी हमने तो उसी सेटिंग को ही फॉलो किया है। अब मेरे पास तो आप लोगों को यही सजेशन है बच्चों, कल मेरी बहुत ज्यादा डीएसए के बच्चों के साथ हुई, उनको सिर्फ टाइम का इशू था, बाकी पेपर तो खैर उनका इतना लेंदी नहीं था, टाइम के ऊपर उन्होंने बहुत किया है। लेकिन टाइम के लिए मैं आप लोगों को एक ही सोल्यूशन दूंगी बच्चों, पेपर स्टार्ट होता है तो आपने उस पेपर के टाइम पे क्या करना है, अगर लाइट चली जाती है, कोई मसला होता है, बेटा प्लीज 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 डेटा कनेक्शन ऑन कर लो। इन पेपर्स को मजाक में मत लें कि हम लोग जो है कंप्लेन्स करते रहेंगे कंप्लेन्स करते रहेंगे, तो हम इन्होंने माफ पास करने ही करना है। बेटा प्रॉपर पेपर चेक हो रहे हैं, प्रॉपर आप लोगों की मार्किंग हो रही है, ठीक है? तो आप लोग बस ये करें, जहां पे आपकी लाइट जाए वहां पे तो आपको क्वेश्चन एक नजर आ गया ना, ठीक है, उस एक क्वेश्चन को आप जो है वो वर्ड की फाइल पे लिखना शुरू कर दें और उस पे सॉल्व कर लें, ठीक है? जैसे आप पूरा सॉल्व कर लेंगे तो वहां से कॉपी कीजिएगा, अपना डेटा कनेक्शन थोड़ी सी देर के लिए ऑन किया, अपना वहां से क्वेश्चन कॉपी किया, पेस्ट कर दिया आंसर वाले बॉक्स में, ठीक है, जो टेक्स्ट बॉक्स होगा उसमें आपने पेस्ट कर दिया, देन अगेन आप डेटा कनेक्शन ऑफ कर दें। अगर आप ये भी कह रहे हैं कि डेटा कनेक्शन ज्यादा लगेगा, 3 आवर्स का नहीं है, तो फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन करें, अगेन अपना डेटा कनेक्शन ऑफ करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, आप नेक्स्ट क्वेश्चन को आराम से सॉल्व करते रहें, आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, आपके पास आंसर्स भी, यानी कि 3 आवर्स आपके पूरे यूटिलाइज हो जाएंगे। समझ आ रहे सॉल्यूशन? यस मैम। कल मैंने सारे बच्चों को सुबह के सेशन में इतनी ये बात समझाई कि बच्चों का कोई इशू होता है, कुछ होता है, अपना लैपटॉप फुल चार्ज कर लें, अपना डेटा कनेक्शन रख लें, एटलीस्ट इतना तो आप लोग एग्जाम को सीरियस लेके ये दो चीजें कर सकते हैं ना अपने पास। मैम इशू ये था कि वो टाइम हमेशा रुकता है, क्योंकि हमारे एफएम में भी अगर कुछ बीच में मसला होता है रुक जाता है टाइम, लेकिन वो कल नहीं रुका, वो हमें तभी पता चला कि टाइम नहीं रुक रहा है, उसकी वजह से वो इशू हुआ था। इसमें आप लोगों का टाइम रुक गया है? मैम फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो हमारा कोर्स है उसमें भी, मतलब अभी मॉक में भी था ये मसला, तो वो रुक जाता है टाइम उसमें भी। रुका था उसमें? यस मैम। हमारा क्यों नहीं लास्ट रुका? हमने ऑनलाइन दिया था फाइनल, उसमें भी मैम अगर मेरा इशू हुआ था एलएमएस का तो टाइम रुक गया था उसमें भी, लेकिन वो इस दफा फर्स्ट टाइम ही हुआ कि वो टाइम रुका नहीं, तो वो पता ही उसी टाइम चला गया टाइम रुकेगा नहीं, तो इस वजह से वो इशू हुआ था बस थोड़ा सा। अच्छा टाइम रुका है, लेकिन हमें जो सेटिंग दी गई है उसमें तो बेटा मैंने वही अप्लाई की है। मैम वो हो गया होगा मसला, वो हो गया पेपर। क्या हमारे पास यहाँ पे इसके अलावा कोई और ऑप्शन आ नहीं रही ना? टाइमिंग की सिर्फ आपका स्टार्ट टाइम आ रहा है, लास्ट टाइम, क्लोज टाइम आ रहा है, टाइम लिमिट आ रहा है, उसके बाद अगर आपको अटेम्प्ट ज्यादा दिए गए हैं तो उसके बाद वो ऑप्शंस आ रही हैं, और कोई ऑप्शन आ नहीं रही इसमें टाइम की। वो यूनिवर्सिटी में था ना आपका लास्ट एग्जाम्स, तो ऑनलाइन भी थे तो। यस मैम यूनिवर्सिटी में था। उसमें तो मैंने आप लोगों का डीएसए में ये किया, जिसके 4 क्वेश्चंस बिल्कुल अच्छे हुए ना, उसको पांचवे में मैंने रिलैक्सेशन दी है, पता है आप लोगों को, लेकिन 4 अच्छे होने चाहिए पहले। जो लोग इलेक्ट्रिसिटी का इश्यू सब कुछ कर रहे हैं, पहले 4 क्वेश्चन जिनके अच्छे गए हैं उनको पांचवे में मैंने रिलैक्सेशन दी है, मैंने उसमें आप लोगों को ये बेनिफिट दिए, क्योंकि उससे मुझे अंदाजा हो रहा है कि आप लोगों ने पढ़ा है। जिसके पहले 4 क्वेश्चन से ठीक नहीं हुए तो उससे तो मुझे ये भी अंदाजा हो रहा है ना कि आप लोगों ने नहीं पढ़ा। बाकी बच्चे आप लोगों को मैंने ये बता दिया 20 MCQs हैं, ठीक है, देन जो है आप लोगों के रिमेनिंग क्या बचा, 10 आपके न्यूमेरिकल्स के पार्ट्स वगैरह सब कुछ काउंट करके 10 वो बन गए, एंड देन जो है न्यूमेरिकल्स में से पार्ट वाले को छोड़ के बाकी तमाम न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल के फॉर्मेट में, ठीक है, जैसे आप लोगों के साथ मॉक को एग्जाम में मैंने लिया था, बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही मैंने इसमें वो दिया पैटर्न।
आफ्टर दैट आप लोगों के पास क्या है, बाकी 10 क्वेश्चंस दूसरे हैं, ठीक है, 40 क्वेश्चंस इस तरह से, यानी कि ए बी पार्ट करके हैं, छोटे छोटे, इतने ब्लेंडी नहीं है, तो हार्डली आपका ये पेपर भी 2:30 तक इंशाल्लाह हो जाएगा अगर आप लोगों ने पढ़ा है। और सेकेंडली ये कि हम लोगों ने, आप लोग जैसे अभी ओपन करेंगे ना अपने एग्जाम को, पेपर को, तो उसके सामने आपके पास डिस्क्रिप्शन पूरी आ जाएगी पेपर की, ठीक है, कि पेपर किस पैटर्न का है, उसमें कितने क्वेश्चंस हैं, किस किस वो उसमें से हैं, ठीक है, और क्या सीक्वेंस है, तो वो भी आ जाएगा। लेकिन ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे आपके पास पेपर में शफल होकर आएंगे क्वेश्चंस, नहीं भी कभी बीच में एमसीक्यूज आ रहा, बीच में कभी आप लोगों के पास लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा हो, कभी आपका न्यूमेरिकल आ रहा हो, कभी दो एमसीक्यूज एक साथ आ रहे हो, तो शफल होकर आने में आपके साथ ये चीज होगी, ठीक है। आफ्टर दैट और क्या है, हाँ नेविगेशन का, तो वही बात है कि नेविगेशन तो हमें ऑफ ही रखने को बोला गया है। और क्या क्वेश्चन हो सकता है आप लोगों का, बात पूछनी है बच्चों? पासवर्ड आपका मैं आप लोगों का व्हाट्सएप कर दूंगी, ठीक है, ठीक है बच्चों। बच्चों कोई क्वेश्चन है आप लोगों का? मैम कोई क्वेरी वगैरह हो तो ग्रुप में मैसेज कर लें, व्हाट्सएप पे रिस्पॉन्स आ जाएगा आपको। जी जी बेटा, मैंने कल के बच्चों को भी ये सजेशन दिया था, मैंने आज आप लोगों को भी ये सजेशन दे रही हूँ। बच्चों अगर आप लोगों की इस वक्त लाइट है तो अपना पेपर अभी 8 बजे ही स्टार्ट कर लेना, वेट मत करना इस बात का कि आप लोग जो है अभी आराम से, बहुत टाइम है, 2 बजे तक का टाइम है, 3 घंटे बीच के फिक्स मिल रहे हैं, हम लोग किसी भी टाइम स्टार्ट कर लेंगे। अगर अभी टाइम चल रहा है तो अभी स्टार्ट कर लें, ठीक है, अपना लैपटॉप अगर लाइट है तो लैपटॉप भी फुल चार्ज रख लें, अपना डेटा कनेक्शन तो आप लोग अपना आराम से कर सकते हैं, ठीक है। और कोई क्वेश्चन बच्चों?
बच्चे को और क्वेश्चन है आप लोगों का? नो मैम। चले हम सेशन एंड करते हैं फिर यहाँ पे, ठीक है? आप लोगों को रिगार्डिंग एग्जाम कोई भी क्वेश्चन करना, वैसे आप लोगों को एग्जाम से रिलेटेड इतना खास क्वेश्चन मुझे नहीं लगता आप लोगों को जरूरत पड़ेगी, लेकिन आप लोगों के पास व्हाट्सएप अवेलेबल है, ठीक है? मैं जो वाकई में यहाँ पे मैं आप लोगों ने अभी वही देख रही थी पॉलिसीज वगैरह, उन पॉलिसीज में मुझे आपका टाइम लिमिट का आंसर नहीं मिल रहा अगेन सेटिंग में। चलो बच्चे सिर्फ 10 मिनट रह गए आप लोगों का पेपर स्टार्ट होने में, ठीक है? मैं अभी बस इसकी सेटिंग आप लोगों के लिए सेट कर रही हूँ, हम अपना सेशन एंड करते हैं। अगर कोई क्वेश्चन रिलेटेड एग्जाम हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है? व्हाट्सएप पे अभी इस वक्त किसी का कोई क्वेश्चन है? नो मैम। चलिए ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।